सागर जिले के बांद्रे में हुई अशोक चौबे हत्या मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण समाज ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के परिजनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और धक्का मुक्की की। इस घटना का विरोध दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सागर जिले में हुए हैं पहला बांदरी में अशोक चौबे जी की निर्मम हत्या, जो अब तक अंधा कत्ल बनी हुई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश है। अब तक हत्यारों को तलाश पाने में पुलिस नाकाम रही है। दूसरा घटनाक्रम बरतुमा का है, जहाँ पे हमारे दिनकर जी बाकी सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहे। 6 घंटे तक चक्का जाम रहा और जो कार्रवाई हुई वो नाकाफी है। हम लोगों ने ये मांग की है कि अगर न्याय संगत कार्रवाई दोनों प्रकरणों में नहीं होती है, हम इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से भी चाहते हैं। एक स्वतंत्र एजेंसी इस मामले में जांच करे और जिस तरह से ये मामला घटित हुआ है इससे ब्राह्मणों में खासा आक्रोश है। अगर जो है उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले कल में हम 30 सितंबर से भी बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और वो सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।